हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। वाटर कलर की सीरीज में आज एक सिंपल सा फ्लावर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए जो मैंने वाटर पेपर लिया है वो है ब्रूस्टो का 300 GSM, और ब्रश जो है वो है फेवर कैसल का 3 नंबर का। तो हम लोगों ने ब्लू से स्टार्ट किया है और सिंपल सा एक मैं उसको ब्रश को मैं रख के हल्का सा प्रेस करके फिर रिलीज़ कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो। तो ये अलग अलग प्लेस पे मैं इसको पेंट करूँगा और उसके बाद फिर इसका जो ब्रांच है वो ब्रांच बना के फिर उसमें अदर कलर से भी मैं इसको पेंट करने वाला हूँ, और साथ में जो ब्लू का जो वेरिएशन है वो भी मैं पेंट करूँगा जो आप आगे देखोगे। ये जो प्रोडक्ट जितने भी मैंने आपको बताए थे वो सारे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है मैंने डाला हुआ है, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो अगर नॉर्मल आपके शॉप में ना मिले तो, क्योंकि वाटर कलर करने के लिए वाटर कलर पेपर होना बहुत ज़रूरी है। और जो कलर मैंने यूज़ किया है वो है कैमलिन का, जो बिल्कुल ही सस्ते में आ जाता है, वो 55 रुपीज़ का है। जैसे कि आप देख रहे हो उसमें राउंड केक्स हैं। तो ये मैंने एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रांचेस में निकालने वाला हूँ। तो ऐसे आप कई सारे आप लाइव रेफरेंस लेके भी आप उसको बना सकते हैं। अब अगर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है तो अगर आप किसी गार्डन में है या कहीं पे भी कोई फ्लावर देखते हैं, कोई पे भी एक प्लांट देखते हैं, तो वो घर आके आप वैसा आप पेंट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं जो कर रहा हूँ सॉलिड कलर से कर रहा हूँ, तो अभी तक जितने भी मैंने फ्लावर बनाए वो सारे सॉलिड कलर हैं। इसके बाद जो मैं ऐड करूँगा वो है ब्लू का ही जो लाइट वर्जन है वो ऐड करूँगा मैं। ये सारे आपके इमेजिनेशन पे भी होता है कि आप फ्लावर को किस तरह से देखना चाहते हैं, किस तरफ वो मुड़ा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप खुद के आप अपने ऑब्जर्वेशन से या खुद के इमेजिनेशन से आप कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी बनाने के पहले, पेंट करने के पहले कभी कभी खुद को पता नहीं होता कि मैं क्या करने वाला हूँ, और जब आउटपुट आता है तो अच्छा लगता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ भी होता होगा। तो ये जो अभी मैंने जो बनाया है वो मोनोटोनस ना लगे, इसके लिए मैं इसको यहाँ पे मैं कुछ वेरिएशन भी ऐड करना चाहा मैंने इसको। जैसे इसमें अभी मैंने वाटर मिक्स किया अभी, कि उसमें इसका ब्लू का जो लाइटर वर्जन है वो देने के लिए थोड़ा इसमें वेरिएशन आता है, थोड़ी इसमें कंट्रास्ट कह सकते हो, डेप्थ कह सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये पेंट किया, इसमें कई सारे ब्रांचेस बनाऊंगा मैं। तो अभी जो इसका जो कलर है वो थोड़ा लाइट है, जिससे यहाँ पे एक वेरिएशन दिख रहा है।
जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिया हुआ है, आप ऐसे कोई भी एक रैंडम कलर ले सकते हैं, पर्पल ले सकते हैं, जैसे लेवेंडर है वो उसमें पर्पल में बहुत अच्छे से निकल के आता है। और इसमें जितने आप लाइट वर्जन लेंगे कलर के वो उतना अच्छा वाटर कलर में निकल के आता है, क्योंकि इसमें अगर आप डार्क भी डालते हैं तो एक कॉन्ट्रास्ट उसमें नज़र आता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि दो एक ही कलर के मैंने दो वर्जन दिए, जिससे कि इसमें एक अच्छा सा वेरिएशन आ रहा है। यहाँ पे मैं एक डिफरेंट कलर ले रहा हूँ, रेड कलर। वो जो मैंने जो लीफ बनाया है, जो फ्लावर का जो सेम वैसा ही मैं इसमें बनाने वाला हूँ। इसमें थोड़ा सा तो अलग सा वेरिएशन आता है। तो ये रेड कलर करने के बाद फिर मैं इसमें जो लाइट ब्लू जो फ्लावर्स है उसको पेंट करने के बाद फिर एक येलो ऐड करूँगा। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें थोड़ा येलो ऐड करने से थोड़ा इसमें और वेरिएशन आएगा। इट्स अप टू यू, आप दो कलर भी लग सकते हैं या फिर एक सिंगल कलर में ही आप ग्रेड दे सकते हैं उसको। तो इस तरह से मैंने कुछ पेंट किया है, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और जो भी आप बनाएंगे वो मुझे आप शेयर करें इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।